ये डिवाइस को बोलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। वी वांट टू फाइंड द लिस्ट काउंट, हमें इसकी लिस्ट काउंट निकालनी है। कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले ये जो सर्कुलर स्केल है जो गोल घूम रहा है वो सेकेंडरी स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्केल। और ये वाला जो पोर्शन है लीनियर स्केल विच इज़ नोन एज मेन स्केल, दिस वन इज द मेन स्केल। इसके अंदर क्या दिया रखा है? 0 से 5 के बीच में टोटल 5 डिवीजन है। कितने? 0 से 5 के बीच में 5 डिवीजन है। और ये स्केल दिया हुआ है mm में, मिलीमीटर में। और सेकेंडरी स्केल के अंदर टोटल हम देखते हैं स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और वापिस 0, यानी टोटल 100 डिवीजन है सेकेंडरी स्केल में। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया रखा है, इन द मेन स्केल 0 से 5 के बीच में 5 डिवीजन है और ये दिए रखे हैं mm में। सो इसका वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन होगा 1 mm, कितना होगा? 1 मिलीमीटर। छोटे से छोटा मेजर कर सकता है 0 से 1, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। डन। अब ये जो है सेकेंडरी स्केल जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 है। यस, सो लिस्ट काउंट निकालते हैं। फॉर्मूला फॉर द लिस्ट काउंट इज वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल विच इज 0.1 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टोटल डिवीजन ऑन द सेकेंडरी स्केल। सेकेंडरी स्केल में कितने डिवीजन है? 100। सो कितना बनेगा? 0.001 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज।